हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। हमारी आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये बहुत ही आसान सा स्वेटर बॉर्डर। ये बॉर्डर आप ब्लैंकेट के लिए बना सकते हैं, स्वेटर पे बना सकते हैं, मतलब कहीं पे भी जहाँ पे आपको बॉर्डर बनाना हो आप ये डिफरेंट सा बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा है, सेम वैसे ही है जैसे 1x1 रिब होता है, बट डिफरेंट ट्विस्ट है इसमें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ये वाला बॉर्डर। सबसे पहले हम मल्टीपल ऑफ टू स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेंगे, मतलब दो दो के हिसाब से फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे, सिलाई पे डालेंगे। फिर चाहे आप कितने भी डालें अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। मैं यहाँ पे जस्ट आपको सिखाने के लिए कुछ फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ मल्टीपल ऑफ टू, चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। ठीक है, यहाँ पे मैंने ज़्यादा डाले हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से डाले हैं। बात सिर्फ ये है कि आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रखेंगे कि आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए कितने फंदे चाहिए। फंदे कास्ट ऑन कर लेने के बाद रो वन पहली सिलाई, रो वन पहला फंदा सीधा बुनेंगे बट थ्रू बैक लूप। ठीक है, फिर अगेन धागा आगे और दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, पर्ल वन नेट वन थ्रू बैक लूप पर्ल वन, अगेन रिपीट नेट वन थ्रू बैक लूप। बैक लूप मतलब ये है फ्रंट लूप, ये है बैक लूप। ठीक है, नेट वन अगेन थ्रू बैक लूप, फिर अगेन पर्ल वन, यही हमने रिपीट करते जाना है आखिर तक। जो फंदा सीधा बुनेंगे उसको थ्रू बैक लूप बुनेंगे इस तरह से, और जो फंदा उल्टा बुनेंगे उसको उल्टा ही बुनेंगे। ये एक ही रो रिपीट होती है जितना भी आपने बुनना होता है। नेट वन थ्रू बैक लूप अगेन पर्ल, फंदे को सीधा बुने बट पिछले लूप से इस तरह, और फिर उल्टा बुने, फिर सीधा बुने थ्रू बैक लूप फिर उल्टा। ठीक है, और फिर आपके पास यू विल रिपीट दिस टिल एंड। आपके पास जितने भी फंदे होंगे आखिर तक आपने इसी तरह रिपीट करते जाना है। नाउ अगेन रो टू, ये उल्टा फंदा सीधा फंदा है उसको सीधा बुनेंगे, ये उल्टा है इसको उल्टा बुनेंगे, बट जो सीधा फंदा होगा अगेन नेट वन थ्रू बैक लूप, पहली ही सिलाई फिर से रिपीट हो रही है। ठीक है, नेट वन थ्रू बैक लूप पर्ल वन, एक फंदा सीधा बुना थ्रू बैक लूप से, फिर एक फंदा उल्टा बुना, फिर अगेन नेट वन थ्रू बैक लूप पर्ल वन, नेट वन थ्रू बैक लूप पर्ल वन, नेट वन थ्रू बैक लूप पर्ल वन। ये देखें बॉर्डर है बहुत सिंपल ही है, 1x1 रिब की तरह ही है, सेम एज 1x1 रिब बट विथ डिफरेंट ट्विस्ट, लिटिल ट्विस्ट। तो फिर वो आपको लुक भी डिफरेंट देगा। फिर से नेट वन थ्रू बैक लूप पर्ल वन, आप इसी तरह से रिपीट दिस वन रो फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर बॉर्डर। और दूसरा, यही आप डिजाइन से कोई चीज भी बना सकते हैं, कैप बना सकते हैं, ब्लैंकेट बना सकते हैं, कोई भी चीज बना सकते हैं आप, बट ये वाला ज्यादातर बॉर्डर के लिए यूज होता है। तो हम अब इस सिलाई को
कुछ और दफ़ा रिपीट करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा शेप इसमें दिख जाए, क्योंकि ये मुख्तलिफ नंबर की सिलाई और ऊन से बना हुआ है। ये डिफरेंट साइज ऑफ निडल एंड यार्न, ये मुख्तलिफ साइज की सिलाई और ऊन से बना हुआ है। यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा बॉर्डर बुन लिया है। अब ये क्या होगा कि आप बॉर्डर बुनने के बाद ये राइट साइड है, यहाँ से आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर चाहे वो स्टॉकनेट स्टिच हो, प्लेन बुने, कोई डिज़ाइन बुन रहे हो, कोई भी चीज़ बॉर्डर बुनने के बाद आप स्टार्ट कर देंगे। ये जैसे कि देखे ना यहाँ पे, ये वाला ये राइट साइड है, राइट साइड से आप देन स्टार्ट निटिंग योर प्रोजेक्ट। ये बॉर्डर ट्राई कीजिएगा, बनाते तो हम रहते हैं स्वेटर बॉर्डर पर, थोड़ा सा डिफरेंट बंदा ट्राई कर ले तो अच्छा सा अच्छा लुक आता है। तो ये बॉर्डर बनाइएगा अपने स्वेटर के लिए, मुझे बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।